हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और सबसे बड़ी बात कि लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, हमारा ये पॉजिटिव एटीट्यूड ये डिसाइड करता है कि जो आज हम सोच रहे हैं उससे हमारा कल जो भविष्य है वो कैसा होने वाला है। सो आज अगर हमारे हाथ में है और आज अगर हम अच्छा सोच सकते हैं और आज अगर हम कुछ ऐसा प्रयास कर सकते हैं जिससे हमारा आने वाला भविष्य अच्छा हो, तो मुझे लगता है कि ये प्रयास जरूर करने चाहिए। और ये प्रयास आपके कंट्रोल में है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी सोच पर कंट्रोल करना है। क्योंकि ये कहा जाता है कि आज जो आपकी सोच होगी वो कल आपका भविष्य होगा और वो कल दुनिया का भविष्य भी होने वाला है। सो मेक श्योर कि आप अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखें। सिचुएशंस आएंगी, सिचुएशंस नेगेटिव भी होंगी, सिचुएशंस पॉजिटिव भी होंगी, लेकिन जब आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होने वाला है। सो मेक श्योर कि आज से ही अगर आपको कभी कभी कोई नेगेटिव थॉट आ भी जाता है तो उसकी जगह पर एक पॉजिटिव थॉट लेकर आए, उसे रिप्लेस करें और अपने आप को पॉजिटिव और एनर्जाइज्ड महसूस करें। चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं आज के खूबसूरत से वीडियो को, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि किस तरह से मैं अपनी स्किन को ग्लास स्किन बनाकर रखता हूं। ग्लास स्किन कुछ भी नहीं होती दोस्तों, ग्लास स्किन सिर्फ एक ऐसी स्किन होती है जिसमें चमक होती है। हमारा कलर क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्शन क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कि हमारा कलर सांवला हो सकता है कि हमारा कलर डार्क हो सकता है कि हमारा कलर फेयर हो। हमारी स्किन का कलर क्या है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी स्किन में चमक कितनी है। अगर हमारी स्किन में चमक बहुत ज्यादा है और अगर स्किन का कॉम्प्लेक्शन सांवला भी है तो भी उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सांवली स्किन जो बहुत ज्यादा चमकदार है ये अपने आप ही हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगी। आपको पता होना चाहिए कि फॉरेनर्स अपनी स्किन को टैन करने के लिए सनबाथ लेते हैं लेकिन टैनिंग नहीं होती, लेकिन हम इंडियंस को तो ईश्वर ने बहुत ज़्यादा मेलानिन दिया है जिसकी वजह से हम अपनी स्किन को होने वाले स्किन कैंसर की वजह से बचा पाते हैं। सो बहुत ज़्यादा शुक्राना करना चाहिए हमें ईश्वर की दी हुई इस चीज़ का। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ रंग की राजनीति में पड़ जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा बुरी है। किस तरह से मैं अपनी स्किन को ग्लास स्किन बनाए रखता हूं, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमाथेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी मुझसे पूछा जाता है कि सर आप अपनी स्किन के लिए क्या करते हैं, तो बहुत बार मुझे हंसी आती है, क्योंकि मैं बाहर से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करता हूं। क्योंकि जैसा कि मैं वीडियोस में भी कहता हूं कि आपकी खूबसूरती, आपकी ब्यूटी जो है वो जो आप शरीर के अंदर होते हो वही बाहर दिखाई देती है, वही बाहर झलकती है, रिफ्लेक्ट करती है। सो इसका मतलब कि आपको अपने शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज, अपने सप्लीमेंट्स, अपना स्ट्रेस, नींद की क्वालिटी, आप क्या सोचते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। क्योंकि यही चीज़ें कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के बाद में आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट होने वाली हैं। अगर आप बुरा सोचते हैं, अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, आप अच्छा खाना नहीं खाते, डाइट नहीं लेते अच्छी, एक्सरसाइज नहीं करते, फिर सोचते हैं कि आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी, तो शायद आप किसी न किसी भ्रम में हैं और इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल देना बेहतर होगा। अब बात करते हैं कि वो कौन सा स्क्रब है जो जनरली मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं वंस इन अ वीक अपने रूटीन में बाहर से लगाने के लिए एक स्क्रब फॉलो करता हूँ। इस स्क्रब को बनाने के लिए मैं 5 चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ जो सारी की सारी चीज़ें घर में अवेलेबल हैं। सबसे पहली जो चीज़ दोस्तों मैं लेता हूँ या मैं आपको सजेस्ट करता हूँ वो है दही। दही के अंदर है लैक्टिक एसिड और ये लैक्टिक एसिड ना सिर्फ हमारी स्किन पर ग्लो देता है बल्कि ये हमारी स्किन को लाइटनिंग, ब्राइटनिंग और टाइटनिंग इफेक्ट भी देता है। सो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपनी स्किन को लाइट, ब्राइट और टाइट बनाना चाहते हैं तो हमें दही यहाँ पर ज़रूर लेना है। दही जब भी आप लेते हैं तो गाढ़ा दही होना चाहिए, पानी की मात्रा कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा गाढ़ा दही होगा उसमें लैक्टिक एसिड भी ज़्यादा होगा और उसमें प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आप अपनी स्किन को हेल्दी रख पाओगे।
नंबर दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों मैं लेता हूँ वो इसी दही के अंदर मैं ऐड करता हूँ आधा चम्मच चीनी। चीनी जो है उसके अंदर होता है ग्लाइकोलिक एसिड, क्योंकि चीनी बनती है गन्ने के रस से। सो ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो नेचुरल एक एंटी एजिंग स्क्रब है या एंटी एजिंग कंपोनेंट है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर जो डेड सेल्स बहुत जमा हो गए हैं, जिनकी वजह से चेहरे का ग्लो कहीं गुम हो गया है, उसको हटाने में हमें मदद मिलती है। सो आधा चम्मच जब आप चीनी लेते हो तो ये याद रखो कि आप बहुत ज़्यादा मोटे दाने वाली चीनी नहीं लोगे। चीनी जो है वो मीडियम आकार वाली होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा मोटे दाने वाली है तो उसे हल्का सा कूट करके आप उसके दानों को छोटा कर सकते हैं। नंबर तीन जो इंग्रेडिएंट दोस्तों मैं ऐड करता हूं स्क्रब को बनाने के लिए वो है कॉफी। कॉफी पाउडर आप इंस्टेंट कॉफी भी ले सकते हैं, नॉर्मल कॉफी भी ले सकते हैं। नॉर्मल कॉफी जो है या इंस्टेंट कॉफी जो है, इन दोनों के अंदर ही नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होती है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो है ये हमारी स्किन में जो पॉल्यूशन की वजह से जो डलनेस आ जाती है, या पॉल्यूशन की वजह से जो हमारी स्किन के ऊपर थोड़ा सा डेप्रिसिएशन हो जाता है, स्किन में ग्लो खत्म हो जाता है, उन सबको वापस रीगेन करने में हमारी मदद करती है। तो जो कॉफी जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है हमारी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए। तो आधा चम्मच हमने यहां पर कॉफी लिया है। नंबर चार जो इंग्रेडिएंट दोस्तों मैं यहां पे लेता हूं वो है, जो भी हम गेहूं का आटा जब छानते हैं तो चोकर निकलती है, राइट, उसका छिलका निकलता है। कुछ जगह पर उसको भूसी भी कहा जाता है, कुछ जगह पर उसको व्हीट ब्रैन भी कहा जाता है, ठीक है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको वो नहीं मिल रही है क्योंकि आप रेडीमेड आटा लेकर के आते हैं अपने घर में, तो आजकल अमेजोन पे इसके पाउडर्स के पैकेट्स भी मिलने लग गए हैं, ठीक है। सो आप उसे अमेजोन से भी ले सकते हो। हालांकि ये चीज़ तो हमें हमारे घर में इजीली मिल जाएगी, बट फिर भी नहीं होती कुछ के घर में, तो आप रेडीमेड पाउडर्स आते हैं जिसको हम गेहूँ के आटे का चोकर या उसका छिलका बोलते हैं, वो आप खरीद सकते हैं। आधा चम्मच हमें वो डालना है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन ई होता है, और इसके अंदर बहुत छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स जैसे होते हैं जिसकी वजह से स्किन में पॉलिशिंग इफेक्ट आता है, तो हमारी स्किन नेचुरल जो ग्लो खत्म कर चुकी थी उसको वापस गेन करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। सो आधा चम्मच हमें गेहूं का चोकर ऐड करना है। नंबर पाँच और नंबर लास्ट जो चीज़ दोस्तों हमें इसके अंदर ऐड करनी है वो है लगभग दो चुटकी कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी जो है वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी जर्मिसाइडल और एंटी फंगल जो इन्फेक्शन हो जाते हैं हमारी स्किन पे, उनको ख़त्म करने का काम करती है। तो अगर आपकी स्किन में पिंपल्स हैं, वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, पैप्यूल्स हैं, सिस्ट हैं, क्रस्ट हैं, तो उनको ख़त्म करने में भी ये हल्दी पाउडर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो यहाँ पर इन पाँचों चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए, और अच्छे से मिला करके अब आपका ये स्क्रब जो होममेड है बिल्कुल बन करके तैयार है। इसे चेहरे को गीला करने के बाद चेहरे पर अच्छे से अप्लाई कीजिए एक पैक की तरह, और 10 से 15 मिनट के लिए सूखने दीजिए। 10 से 15 मिनट के बाद अपने उंगलियों को थोड़ा सा गीला कीजिए और इसी पैक के ऊपर बहुत छोटे छोटे सर्कल्स बनाते हुए मसाज कीजिए। आप देखेंगे कि जो पैक अब पूरा ड्राई हो चुका था, आपके फिंगर्स गीली लगते ही वो वापस से मॉइस्ट हो रहा है, और आपकी स्किन के ऊपर रबिंग इफेक्ट क्रिएट करके स्किन में जमा हुए जितने डेड सेल्स हैं उन्हें वो निकाल रहा है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो वापस पॉलिश्ड आपको दिखाई दे रही है, वापस आपको चमकदार दिखाई दे रही है। सो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसे हफ्ते में एक बार ज़रूर कीजिए। 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इसे बहुत इजीली फॉलो कर सकता है। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो एक लाइक का बटन दबा करके हमें मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। मसाज करने के बाद आपको 10 मिनट बाद इसे अच्छे से वाइप ऑफ कर लेना है, वॉश कर लेना, और आपकी स्किन एकदम चमकती हुई आपके सामने आपको दिखाई देगी। दोस्तों अब जाते जाते आपके कुछ सवाल, हम इसे कितने दिनों में कर सकते हैं? तो आइडियली आप इसे 1 से 1 वीक कीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको बहुत बीच में कहीं पार्टी में जाना है, किसी गेट टुगेदर में जाना है, तो आप हफ्ते में इसे 2 बार भी कर सकते हैं। नंबर दो, हम इसे कौन सी एज से स्टार्ट करना चाहिए? तो 16+ अगर आप किसी भी एज ग्रुप में, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नंबर थ्री, क्या हम इसे बनाकर रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो दही है वो खट्टा हो जाता है, फर्मेंट हो जाता है, तो आप इसे बनाकर नहीं रख सकते। आप इसे जब भी लगा रहे हैं फ्रेश लगाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए और अभी तक आपने मेरे परिवार को अपना ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा करके बेल के बटन को भी हिट कर दीजिएगा, और अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आप चल विदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।